वेलकम बैक टू उजाला व्लॉग्स। हाय करें नहीं है, हमने ऊपर जाना है। अच्छा, आज है हमारे पापा की बर्थडे और हम लोगों के लिए बहुत 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 स्पेशल दिन है। बेशक वो हमारे साथ नहीं है बट हम इसको सेलिब्रेट करने लगे हैं। तो मैं और बाजूज तो आए हैं भाई खाने से। ओके जी, हम आ गए अपनी लोकेशन में पहुँच गए हैं। लिफ्ट में हम भूल गए थे कौन सा फ्लोर है। तो पापा जरूर जरा ऑर्डर देने लगे हैं। जिन्हें पैसे देने हैं उन्हें ऑर्डर देना। ओके, अब जो है हमें गेम खेलने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है। तो मैंने कहा है कि मैं इससे जो है सवाल पूछूंगी, पापा की बर्थडे तो पापा से रिलेटेड। अब देखते हैं कि बाजीगर को कितना पता है और जितने सवाल मेरे जहन में आएंगे उतने मैं पूछूंगी। सबसे पहला सवाल ये है कि जो पापा हैं वो कौन से सन में और कब पैदा हुए? 1969। कब? 1969। ठीक है, और अब तक उनकी एज कितनी होगी होगी आज के साल तक? काउंटिंग से देखा पहले सवाल भी बच्ची कंफ्यूज हो गई। चले इसको सोचने दे। 54 ठीक है, 54 होने थी। पापा की फेवरेट सब्जी कौन सी थी? पापा को सारी सब्जियां पसंद थी। आवाज आ रही ना? हाँ आ रही। पापा को सारी सब्जियां पसंद थी मगर जो है ना सबसे ज्यादा सब्जी बनाने या गोश्त वगैरह सोचते थे? नहीं, वो तो अलग सवाल है ना। सब्जी कद्दू टींडे तोरियां भिंडी। पापा कद्दू उबले हुए बहुत खाते थे। ठीक है, मतलब वैसे सब्जियां सारी खा लेते थे बट कद्दू शौक से खाते। अच्छा, और इसके अलावा जो सवाल हम करेंगे, चले गोश्त में जो है किस चीज का गोश्त पसंद था? गोश्त पापा को बहुत पसंद था। इकट्ठा ही 5-6 किलो 10 किलो जितना भी मिलता था ना गोश्त का, मतलब गोश्त की फैंसी चिकन की नहीं, गोश्त। ओके, बड़े गोश्त। अच्छा, क्योंकि मैं तो छोटी थी तो मैंने इतना याद नहीं। मैं बाजरू से एक और मजे का सवाल ये करने लगी हूँ कि पापा का ऐसा कौन सा किस्सा जो जिंदगी भर काम आता है, ठीक है, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने तुझसे कही थी और तुझे याद है और तो तेरी जिंदगी के हर मोड़ पे वो तुझे लगता है काम आ जाती है? बड़ा अच्छा सवाल। ऐसा कौन सा किस्सा है या ऐसी कौन सी बात है पापा की जो तेरी जिंदगी में हर जगह तेरे काम आती है, तुझे लगता है कि हाँ ये उन्होंने मुझे कहा था तो ये इस मोड़ पे मेरे काम आ गए? उन्होंने कहा था कि कभी भी खुदा को ना छोड़ना, हमेशा खुदा के साथ वफादार रहना। और वही वर्ष बहुत कहते थे कि तुम अपने खुदा को अपने दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत करना। और वो कहते थे कि मतलब कुछ भी हो जाए तो खुदा को नहीं छोड़ना और अपने ईमान में पका रहना। और इसके अलावा ये बात कहते थे, उसके अलावा ये कहते थे कि मतलब हमेशा अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना, मतलब हम बचपन में साथ वालों से लड़के आ जाना या कुछ कर देना। तो पापा ने ये कहना कि नहीं जाके सॉरी बोलो, क्योंकि खुदा ने कहा है कि दूसरा हुक्म ये है कि अपने पड़ोसी से अपने मालिक की मोहब्बत करना। तो ये वाली बात है। और ये काम आती है मेरे ऑफिस में, जहाँ पे अभी भी मतलब कभी भी कुछ किसी से लड़ाई हो तो माफ करने वाली कुछ एक सेक्टर है ना, वो उनकी वजह से आया कि उन्होंने तरबियत की है। वाह वाह, चलें जी, इससे आपको भी कुछ सबक मिल रहा है। अब एक और मजे का सवाल के जरा मुझे भी सोचने दो, तब तक मैं आपको थोड़ी लोकेशन दिखा देती हूँ। क्या सवाल पूछूं? पापा मेरे से कितना परसेंट प्यार करते थे? ऐसे फसादी सवाल है मुझसे। कंपेयर दूसरों से करो तो कम, और अगर पापा वैसे तुझसे करते हो अकेले से तो 100%। चेक करें, कंपेयर दूसरों से करो तो कम, इसके कहने का मतलब क्या है? इस कहने का भाई ये बड़ी बड़ी थी, मैं इस बात में ये नहीं कहूंगी कि नहीं भाई हमें कम किया, लेकिन जितना भी किया सारे कोशिश किया। अच्छा, और मुझे पहली दफा मार कब पड़ी थी पापा से, पड़ी है कभी? इसे मार नहीं, तुम्हें नहीं मारा कभी पापा ने, मुझे मारा था एक दफा। तुझे मारा था किस बात पे? मुझे मारा था कि मैं बीमार थी और मैं दवाई लेने थी यार, मैं कहती मैंने भी दवाई लेनी, मैंने आपके पास दवाई, मतलब मैं नाराज थी उनसे, तो इस बात पे उन्होंने मतलब मुझे मारा। ये मीन की थप्पड़ वगैरह मुंह पे नहीं मारा था, कमर पे मारा था, इधर करके चल मैं ना चल, चल मैं ना चल, मतलब इस तरह मारा। चलो, मेरे लिए एक और अच्छी बात है कि मुझे कभी पापा से मार नहीं पड़ी, ठीक है। और पढ़ाई पे बेइज्जती हुई हो? मेरी तो बहुत हर टाइम बेइज्जती हुई है पढ़ाई पे। मेरे मार्क्स आए थे 896, मतलब 1100 में से, इसके भी पापा का मुंह बना हुआ था। मैं तो नहीं खुश होया, मैं तो नहीं खुश। जब पापा मेरे नंबर देख देते पापा ने कहना से पुत्र तू तो मैंने शर्मिंदा ही किया। चले जी, मुझे लगता है अब हमारा खाना भी आने वाला है। और एक और सवाल, कौन से जिद हो जो तू ये कहा हो कि यार ये वाली पापा ने मेरी टाइम से पूरी नहीं की? कितनी कोई चीज मांगी और तो कह रही है कि ये मुझे लेट मिली है? सच बताऊं मैंने आज तक पापा से कुछ मांगा ही नहीं, ना मैंने पापा से मांगा है ना मैंने भाई से मांगा है। हाँ, पॉकेट मनी भी लेनी होती थी तो हम छोटा को भेज देते, जाओ जरा लेके आओ, इससे मांगा नहीं जाता। मुझे याद है कभी तुमने
पापा से कहना ही नहीं पड़ा, पापा ने कभी नहीं, मतलब मैंने कभी कुछ नहीं मांगा उनसे, okay. यही कहते थे उनका गिला ये था कि तू कुछ मांगते नहीं, ठीक है. और बच्ची देखिए सारे सच बता रही है, सच का भाषण दे रही है. हाँ जी, अब है उजाला की बारी. बड़ा बन रही थी ना, तेरा हाथ चला है यहाँ से पहले, बता बाजू चला. हाँ ये रोटी बनाते बनाते चला था, देखो मैं काम भी. अच्छा तो उजाला सबसे पहले ये बता कि पापा का फेवरेट सॉन्ग कौन सा था, वो जो सबसे ज्यादा सुनते थे. यार एक मिनट सोचने का टाइम देना चाहिए. मतलब अच्छा सिंगर बता दे किसके सुनते थे ज्यादातर शौक. अब मैं बताती, फेवरेट सॉन्ग वो था यार वो जिसमें वो लड़की के साथ अलग हो जाता है, वो राहत फतेह अली खान का. वो अब के जमाने का नहीं, मींस के उनका फेवरेट सिंगर कौन सा था. नहीं नहीं गाना फेवरेट पूछा ना तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी. अच्छा और नहीं ये नहीं था, गलत बताया यार मुझे गाना ही भूल गया. चलो ठीक है तुझे भूल गया, पर पापा का फेवरेट सिंगर कौन सा था. पुराने जमाने का कोई था, मैं पापा का फेवरेट सिंगर था गुलाम अब्बास. गुलाम अब्बास ठीक है. अच्छा और पापा जो ज्यादातर गाना सुनते थे वो गाना सुनते थे क्या नाम है उसका, इसी के गाने सुनते थे, मतलब मुझे जुबान पे गाना नहीं आ रहा. इसके अलावा अच्छा ये बता कि पापा जब मम्मा नाराज होती थी तो कौन सा गाना गाते थे मम्मा को मनाने के लिए. मैं 12 साल की थी, उससे भी कम एज की थी, मुझे क्या पता. फिर भी पापा को फोन करके पूछ लो. नहीं ये कोई गेम शो नहीं है, तुझे पता होना चाहिए. देखा मैं ही पापा को जानती हूँ, मैं बताऊँ. मैं छोटी थी. कौन सा ऐ मेरे उससे आना कर मेरी जान. हाँ। सजना यार मैं 30 सालों बाद. हाँ ठीक है. अच्छा ये बता कि ओके खाना आ गया, ब्रेक के बाद मिलते हैं. हमारा खाना आ गया था और हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उजाला खाने लगी स्टेक और मैं बर्गर के बगैर रह नहीं सकती, मतलब मैं बर्गर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती. नहीं पर ये है कि हम लोग शेयर करेंगे, मैं उजाला का स्टेक ट्राई करेंगे. चलो ठीक है बाय. हमारा खाना आ गया था, हमने खा लिया और ये देखे कोक की बोतल. अच्छा उजाला वैसे हमारे आपने भी है, वैसे तू तो हारी है क्वेश्चन है. मैंने कहा तू तो हार गई है. नहीं हारी फिर अब. अच्छा सवाल क्या था, पहले ज्यादा लाइट पड़ रही थी. बता कि पापा के साथ तेरी सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी है. सबसे अच्छी मेमोरी जिसको तो याद करके रोती है वो ये वाली है कि ना मैं यूनिफॉर्म प्रेस करी थी तो पापा ने मुझे बुलाया और ना फेसबुक पे कपड़े देख रहे थे ऑनलाइन, ठीक है. उस टाइम मेरा मूड नहीं था देखने का, तो पापा मुझे दिखा दिखा के कहते कि उजाला खरीद ले, कौन सा लेना है मुझे बता दे ये वो ना. तो मैंने कहा मैंने नहीं ऐसे बकवास कपड़े लेने आंटी और फिर उसके बाद जब बाहर जाके सैन में बैठे तो मुझे कहते हैं कि मेरे पास आ जा मेरी गोद में बैठ जा. जो सबसे मेरी जो दुखी मेमोरी है ना जिसमें मुझे रिग्रेट है कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, वो ये है कि पापा मुझे पास बुलाते थे मैं कभी नहीं गई, मुझे चूमने के लिए तरसते थे बुलाते रहते थे उजाला आ जा नहीं. जब मुझे कुछ चाहिए होता था, जब मेरी कोई जिद होती थी या मुझे पैसे चाहिए होते थे या कुछ चाहिए होता था, फिर मैं जाती थी. तो मुझे सबसे ज्यादा ना ये वाली मेमोरी को मुझे रोना आता कि काश मैं सुन लेती, काश मैं हक कर लेती. इसलिए जब आपके पास जो लोग होते ना आपको उनकी कदर करनी चाहिए. दिस इज फॉर यू उजाला. चलो जी उजाला व्लॉग एंड करें. तो मैंने अभी के ग्राउंड फ्लोर पर कहाँ जाना है हमने. ओए वहां पे तो मैं भी नजर आ रही पीछे. ये क्या था, क्योंकि थी बर्थडे नजर नहीं आ रही इसलिए हमें लेयर्स आने हैं और लेयर्स से कुछ लेने. अब हम इतना बड़ा केक नहीं ले सकते क्योंकि हम सिर्फ डाइटिंग पे और हम सिर्फ 3 लोग हैं, तो इसलिए अभी हम छोटी सी कोई पेस्ट्री लेंगे. जी ले लिए जी उजाला ने जो कुछ लेना था. वैसे हमने केक नहीं लिया. हाँ पर हम सोच रहे हैं अब हम घर जाके खाएंगे. मैं सोच रही हूँ कि मुझे स्टाइलो नजर आ जाए, बट मुझे स्टाइलो नजर नहीं आ रहा और मुझे मैप पे लगाना पड़ेगा. सस्ती गजरे क्यों देते हैं, मुझे समझ नहीं आ. मतलब हमें गजरे नहीं चाहिए भाई तुमसे, हमें तुमसे नहीं चाहिए गजरे. मतलब ये गजरों वाले से नहीं चाहिए, हमें गिफ्ट में चाहिए. मैं ले दूँ तुझे, इतने पैसे जाएगा गजरे पे, सच ले कुछ खा ले.